Hello and welcome to another episode of Beyond Scoreboard, a podcast show where we get in conversation with the young Guinean athletes. Yeah, hello, thank you podcast mein aane ke liye, Abhishek and Vivek. Thank you. Kaisa lag raha hai pehle to? Normal hai. Normal hai, thodi ghabrahat ho rahi hai. Nahi, pressure to aap log lete nahi ho, ye to mujhe pata hai. Harmanpreet ne khud bola ki hamari team koi pressure nahi leti hai. Chahe दिल्ली में यहाँ पे आके खेल रहे, होम ग्राउंड में खेल रहे हो, फिर भी. हाँ जी बिल्कुल मैम, ये तो है क्योंकि नो डाउट कि एक दिल्ली में तो बहुत समय के बाद हम लोग खेल रहे हैं और काफ़ी ऐसे प्लेयर हैं जो पहली बार इंटरनेशनल यहाँ पे खेलेंगे, तो एक नेशन के लिए खेलना और दिल्ली जैसे इन्वायरमेंट में खेलना, नो डाउट कि हम लोग भी एक्साइटेड हैं उसके लिए. ओलंपिक्स की बात करते हैं, आप दोनों ओलंपिक्स में इस बार पार्टिसिपेट किया था एंड टोक्यो में भी, तो ये दोनों का एक्सपीरियंस लेके जब आप दोबारा वही ओपोनेंट के सामना कर रहे हैं, तो क्या कुछ डिफरेंट स्ट्रैटेजी अपनाया है इस बार पूरी टीम ने? टोक्यो का एक ये था कि उस टाइम कोविड के समय में और फैंस लोग नहीं आ सकते थे और डिफरेंट सिचुएशन में थे हम लोग, प्रैक्टिस भी मेंटली भी बहुत सी चीज़ें चल रही थी आपके कोविड के टाइम पर, यू नो कि आप एक भी प्लेयर्स इफेक्ट होता है तो वो पूरी टीम पे इफेक्ट करता है. तो लेकिन स्ट्रेटजी जो बोलेंगे वो कोच दूसरा था, ये कोच दूसरा है. जब यहाँ पर हम लोग पेरिस में आए तो टारगेट वही था कि जो मेडल है उसका कलर चेंज करें, और नो डाउट कि जब सेम टीम आती है उनका पैटर्न भी वही सेम था कि ज़्यादा बॉल पोजिशन रखती हैं वो लोग, जब चांस मिलता तभी ज़्यादा आगे जाती हैं. लेकिन जो जिस तरीके से इस बार हम लोगों ने परफॉर्मेंस दिया है, एक मुझे तो अपनी टीम पे प्राउड है, साथ साथ पूरे नेशन को भी प्राउड है जिस तरीके से हम लोग हॉकी इंडिया को इतने ऊपर लेके आए हैं. बात करते हैं डेब्यूटांट्स की, इस बार बहुत नए प्लेयर्स भी आ रहे हैं बहुत जर्मन टीम में भी और हमारी टीम में भी, तो एक एक्सपीरियंस प्लेयर और एक न्यू डेब्यूटांट, दोनों का एक अलग ही केमिस्ट्री होता है ऑन फील्ड एंड ऑफ फील्ड, उसके बारे में बताइए कैसे एक्सपीरियंस प्लेयर जैसे आप हो गए, हरमनप्रीत हो गए, मनदीप हो गए, ये कैसे अपने न्यू डेब्यूटांट्स को ट्रेन कर रहे हैं? जब यंगस्टर कोई न्यू टीम में आता है तो नो डाउट कि एक नर्वसनेस और एक हिचकिचाहट अंदर रहती है, डर तो रहता है ऑब्वियसली, क्योंकि मैं भी जब आया था 2018 में तो कुछ भी चीज़ शेयर करने में भी मुझे भी थोड़ा लगता था लाइक कुछ गलत ना बोल दूँ, किसी को हर्ट ना हो जाए, तो ये नॉर्मल चीज़ है. लेकिन अभी जो माहौल है जूनियर और सीनियर का जो मिक्सर है ये बहुत अच्छा है, और जो इन्वायरमेंट है टीम का इन्वायरमेंट कि जल्दी से जो भी यंगस्टर आ रहा है उसको जल्दी से कनेक्शन बनाना और घोल मिलना, ये सीनियर की रिस्पांसिबिलिटी होती है और सीनियर बहुत अच्छे तरीके से अभी कर रहे हैं. और ऑन द फील्ड से ज़्यादा हम लोग ज़्यादा डिपेंड कोशिश करते हैं कि ऑफ द फील्ड उसके साथ कितना कनेक्ट हो रहे हैं, कि नो डाउट कि आप ऑन द फील्ड तो 2 घंटे 1 घंटे रहते हैं लेकिन ऑफ द फील्ड ज़्यादा रहते हैं, वो बॉन्डिंग ज़्यादा जरूरी है मेरे ख्याल से. अगर लीडरशिप की बात करें, हरमनप्रीत एंड यू बोथ आर लीडिंग द टीम, तो आप दोनों के बीच में क्या कॉन्वर्सेशन होती है, क्या माइंडसेट रखते हो आप दोनों की सारे टीम का मनोबल बना रहे? अगर बात करें जब हमने जर्मनी के साथ ही मैच हारा था पेरिस ओलंपिक में, तो फिर माइंडसेट डेवलप करना स्पेन के लिए, अपने आप को प्रिपेयर करना, ये क्या कॉन्वर्सेशन था लीडर्स के बीच में? लीडर्स का यही था कि जैसे हमारी टीम में 6-7 ऐसे लीडर हैं हर एक पोजिशन के अलग अलग, और उनको एक अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई कि आप अपने पोजीशन के सभी प्लेयर से बात करके सामने वाली टीम कितना परफॉर्मेंस अच्छा करे, कहाँ से स्ट्रॉन्ग है, वो चीज़ पे ज़्यादा फोकस किया. और जर्मनी वाला मैच के बाद नो डाउट कि हम लोग तो डिसअपॉइंटमेंट थे ही, लाइक सारा इंडिया था, लेकिन नेक्स्ट यही था कि हम लोग बैठ के बात किए, जैसे श्रीजेश भाई का लास्ट टूर्नामेंट था और एक हमारे लिए भी अपॉर्चुनिटी थी कि उनको एक जो उनका रिटायरमेंट है उनको ऐतिहासिक रिटायरमेंट के तौर पे दिया जाए, तो एक सब लोगों ने बैठ के बात करी यही कि क्यों ना खाली हाथ ना जाए, क्योंकि से अब ओलंपिक मेडल होता है. अब से वो चूक गए गोल्ड मेडल से सिल्वर मेडल से, लेकिन ब्रॉन्ज मेडल जीत के लिए जाता है, तो ये एक हमारे लिए भी टास्क बन चुका था. और हम जितने भी सभी लोग ऐसे प्लेयर थे सारे एक्सपीरियंस प्लेयर थे, काफ़ी लोग का डेब्यू ओलंपिक था लेकिन उससे पहले वो बड़े बड़े इवेंट में खेल चुके हैं, तो एक सभी लोगों ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली अपने आप से कि ये मैच हम लोग जीत के निकलें, ताकि एक अच्छा हमारे हिस्ट्री में जो बैक टू बैक मेडल है वो दोबारा हमारे देश एक स्ट्रीक बना रहे, स्ट्रीक बना रहे. आप भी इसी चीज़ को थोड़ा आगे फॉरवर्ड करिए, आपका एक्सपीरियंस क्या था उस टाइम पर? मेरा डेब्यू था ओलंपिक, मेरा भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, प्रेशर था लेकिन पहले दूसरे मैच में वो हटता चला गया, बहुत अच्छा लगा जब हम ब्रॉन्ज लेके आए मेडल. मेरा तो डेब्यू था ओलंपिक, तो मुझे तो मेरे लिए बहुत ज्यादा स्पेशल था वो, एक ड्रीम कम ट्रू था. या और घर पे क्या सेलिब्रेशन हुआ वापस आने के बाद?
घर पे मैम सब खुश थे, जो रिलेटिव थे वो भी थोड़ा सा प्यार करने लगे, पहले जानते नहीं थे, मतलब थोड़ा सा दूरियां थी पहले, अब नजदीकियां बन गई। वो अब तो आप लोग सेलिब्रिटी हो गए हैं, कुछ ऐसे कोई क्रेजी फैन मोमेंट जहाँ पे आपके फैंस ने टैटू बनवा दिया हो या लव लेटर्स भेजा हो या फ्लावर्स भेजा हो घर पर? नहीं, अभी एक लाइक पंजाब के कोई हैं जिन्होंने पूरी टीम का नाम लिखवाया है, टैटू करवाया अपने शोल्डर पे, तो हमने उन्हें सोशल मीडिया के थ्रू पता चला था। एक साइड टोक्यो का है, एक साइड टोक्यो, एक साइड पेरिस का। इससे पता चलता है कि इंडियन फैंस कितने जुड़े हैं आप लोगों से, कितना उम्मीद रखती है। बात करते हैं श्रीजेश की, ही इज़ द वॉल ऑफ योर टीम, गोल कीपर रहे हैं, अब उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया है, तो क्या कमी महसूस होती है और कैसे टीम एडजस्ट कर रही है न्यू चीज़ों से? श्री भाई नो डाउट एक वर्ल्ड क्लास प्लेयर और थे और अभी भी हैं मुझे लगता है, क्योंकि नो डाउट कि उनका जैसा गोलकीपर और जो परफॉर्मेंस उन्होंने लास्ट ओलंपिक में दिए, वर्ल्ड का बेस्ट गोलकीपर की परफॉर्मेंस दी है, और एक सबसे बड़ी बात ये थी कि उनका जो नॉलेजेबल थे, जितना कोचेबल नॉलेज था उनके अंदर, कि लाइक किसी भी आप सिचुएशन में डाल दो आपके, उनके पास हमेशा सॉल्यूशन रहता था। और इंडिया को वैसा गोलकीपर मिला, वो हमारे लिए और मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। मैं उनके साथ रहा, उनके साथ रूम शेयर करने का मौका मिला। और सी अभी जो गोलकीपर हैं पाठक और सूरज, ये कंटिन्यू उनके साथ 6 साल से कंटिन्यू सेकंड गोलकीपर के तौर पे हैं, कभी वो भी फ्लाइंग 11 करते थे, तो वो लोग एक्सपीरियंस है, उनको भी पता है हम लोग की रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी हमारे ऊपर है। और जिस हिसाब से अभी हम लोगों ने ACT में खेल के आए और पाठक और सूरज ने जो परफॉर्मेंस किया है, एक हमारे लिए एक मोटिवेशन भी रहा कि हमारा गोलकीपर सेव कर रहा है, जरूरी नहीं है कि हम ही बार बार अटैक कर जाए, उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उन्होंने अच्छे से इनिशिएटिव लेके वो चीज़ को रिस्पॉन्सिबिलिटी में बदला है, तो एक हमारे लिए कॉन्फिडेंट बिल्ड हुआ है कि हमारे पास एक, उनके बाद भी हमारे पास दो ऐसे गोलकीपर है जो हमारी टीम को जो लेगेसी है उसको कंटिन्यू आगे जारी रखेंगे। आपने कहा ना कि कोई भी प्रॉब्लम का सलूशन निकालते वो आगे बढ़े हैं, तो जब ग्रेट ब्रिटेन के साथ मैच हो रहा था एंड वन ऑफ द प्लेयर जिसको रेड कार्ड मिला, ये एक रेयर इवेंट होता है हॉकी में, रेड कार्ड मिला, येलो समझ में आता है, ग्रीन समझ में आता है, यहाँ रेड कार्ड मिला और 10 हीरोज खेल रहे थे और जीत के भी आए, तो पूरा डिफेंसिव मोड में था, डिफेंड टू विन वो स्ट्रैटेजी लेते हुए, उस टाइम पर ऑन द फील्ड क्या सिनारियो था? ये कि जैसे कोच स्टार्टिंग में जब ज्वाइन किया था तो उसका दो ही मंत्र था, एक डिफेंड टू विन था और स्टार्ट स्ट्रॉन्ग फिनिश स्ट्रॉन्ग था, तो यही चीज़ हम लोग अप्लाई करते हैं अभी भी। और जब रेड कार्ड हुआ तो नो डाउट कि सब लोग के लिए पहला मोमेंट और पहली ऐसा मैच होगा जो हम लोगों ने खेला है और इतने बड़े इवेंट में कि 10 प्लेयर से पूरा 43 मिनट, उसके बाद सभी ने यही बात की कि इनसे तो जीत के ही निकलना है, क्योंकि इंग्लैंड से हमारे हारमन भाई भी हमेशा ही बोलते हैं, इंग्लैंड से जब पहले से भी वो खेलते आ रहे हैं तो हमेशा उनके साथ टाइट मैच रहा है, लड़ाई लाइक आप बोल सकते हैं कार्ड ज़्यादा मिले हैं अपोनेंट्स को भी, हम लोग को फिजिकली ज़्यादा रहते हैं वो, फिजिकली ज़्यादा रहते हैं। तो श्री भाई का इसमें बोलूँगा कि जैसे जैसे वो सेव कर रहे थे, उनका जो सेलिब्रेशन था हर एक सेव के बाद, वो हम लोग को ज़्यादा बूस्टअप कर रहा था, लेकिन कि जब वो एक सेव कर रहे उसके बाद पैड में मार रहे चिल्ला रहे हैं, तो एक हम लोग के अंदर से भी जोश आ रहा है कि नहीं हम लोग भी पूरा अपना एफर्ट देना है, तो वो एक चीज़ थी जो वहाँ से बूस्टअप करी उस मैच को निकालने में। उसी पेरिस ओलंपिक के बाद फिर एशियन चैम्पियनशिप भी हुआ, तो वहाँ पे चाइना के साथ टक्कर हुआ और चाइना को 1-0 से आपने हराया, उन्हीं के होस्ट सिटी में हराना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि टीम बहुत प्रिपेयर्ड होती है, तो ये कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ है सारी टीम्स का, है ना, तो हर एक मेंबर के अंदर वो स्किल्ड कॉन्फिडेंस अब जागा है कि हम अब आगे भी मेडल्स लाएंगे, तो इस चीज़ के बारे में बताइए। उसमें मैम ज़्यादा लड़के जो यंग भी गए थे वहाँ, तो अच्छा एक्सपीरियंस था वहाँ हमारा, और यंग लड़कों ने भी बहुत अच्छा किया है, तो उनके भी उनका भी कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है जैसा खेलते हैं वो, जब मेडल आता है गोल्ड तो उनको भी आगे अगले वाले टूर्नामेंटों के लिए मोटिवेशन मिलता है, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था वो। अच्छा बात एक्सपोजर की बात करते हैं, लीग्स अगर हॉकी इंडिया लीग की बात करें, एक गैप के बाद वापस आ रहा है, एक कमबैक है, रिवाइवल है, जब हमारे जो यंग प्लेयर्स हैं उनको एक मौका मिलता है इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ खेलने का, ड्रेसिंग रूम शेयर करने का, वही टर्फ शेयर करने का, तो कैसे ये लीग्स हमें हेल्प करती है हर प्लेयर को कॉन्फिडेंस बिल्ड करने में और स्किल सेट डिवेलप करने में? सी एक यंगस्टर के लिए और जितने भी सीनियर प्लेयर के लिए, उनके लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि जब एक यंगस्टर टीम में आता है और जो नो डाउट कि
उनका ड्रीम होता है अपने सीनियर टीम के साथ खेलना या उनके प्लेयर के साथ खेलना या बाहर के जो प्लेयर हैं उनके साथ खेलना. तो एक एक HIL जो ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ से यंगस्टर को बहुत अच्छा एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है अपने गेम को शो करने का ताकि वो अपने नेशनल टीम में जगह बना सके. नो डाउट कि ड्रेसिंग रूम का माहौल और फील्ड का माहौल उसको वो चीज़ वो घर बैठ के नहीं देख पाता है. और HIL एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे उसको सारा एक्सपीरियंस वो मिलेगा, सारे प्लेयरों से वो इंस्ट्रक्शन होगा, उसके बिहेवियर वो अपने आप को इम्प्रूव कर सकता है. तो मुझे लगता है कि जितने भी यंगस्टर हैं वो कोशिश करें कि अपने आप को और बेहतर करें. ना कि उसमें क्या होता है कि जब भी कोई नया टीम में आता है तो कहीं ना कहीं वो खो जाता है. क्योंकि होता है एक सिचुएशन ऐसी आती है जब आप अच्छा परफॉर्मेंस करते रहते हैं लेकिन आप सडनली खो जाते हैं. लेकिन वहाँ पर अपने आप से यही रहेंगे कि काम हो के फोकस रह के जितना हो सके जल्दी सीख सके और प्लेयरों से भी, तो वो बेस्ट रहेगा. इस बार आप फर्स्ट टाइम हॉकी इंडिया लीग में खेलेंगे. यस मैम. तो हाउ एक्साइटेड आर यू, क्या सोच रखा है आपने कि मैं यहाँ पर अपना परफॉर्मेंस ऐसा दूंगा, इस चीज़ में काम करूंगा? सी मैम, मैचेस महीने में बहुत ज़्यादा हैं तो मैच बाय मैच खेलेंगे हम तो. और मेरा तो पहला HIL है तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ. और अपनी टीम जो मेरी वेस्ट बंगाल टीम है उनसे मैं खेलना है मेरे को. और मैं सेकंड हाईएस्ट मतलब मेरा बिड लगा है तो मेरे को थोड़ा सा प्रेशर भी है कि मैं अच्छा खेलूंगा. हॉकी इंडिया लीग ग्रास रूट लेवल टैलेंट को पिक करता है और उसको प्रमोट कर रहा है एक तरीके से. हॉकी हर बच्चा खेले, इस ये भी एक मोटिवेशन आएगा कि यू नो हमारे इंडियन प्लेयर्स इंटरनेशनल लेवल पे अपना नाम बना रहे हैं और अब ओलंपिक्स में भी मेडल आया है एंड सारे चैंपियनशिप में हम कहीं ना कहीं अच्छे रैंक में आ रहे हैं. तो एक मोटिवेशन मिलता है, गेम को एक प्रमोशन भी मिलता है एक तरीके से. हाँ सी, जब HIL की बात आती है तो मेन फोकस यही रहता है कि जितना हो सके डोमेस्टिक हॉकी इंडिया की जो है उसको बिल्ड किया जाए, उसका जो लेवल है उसको हाई किया जाए. क्योंकि एक इंटरनेशनल लेवल पे खेलना और डोमेस्टिक लेवल पे खेलना काफ़ी डिफरेंट है हमारे इंडिया में भी. तो इसीलिए HIL के जरिए हम लोग वो जो डोमेस्टिक का लेवल है उसको अप कर सकते हैं और अप होगा, मुझे विश्वास है. और नो डाउट कि HIL ऐसा एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर ऐसे कई प्लेयर होंगे और आने वाले समय में जो इंडिया को बहुत जल्दी एक अच्छे अपॉर्चुनिटी के तौर पे अच्छे मिडफील्ड, अच्छे डिफेंडर, अच्छे गोलकीपर के तौर पे हम लोग को मिलेंगे. इस स्क्वाड की बात करते हैं, इस बार टीम में कितने न्यू डेब्यूटेंट्स हैं और कैसे आप उनको प्रिपेयर कर रहे हैं मेंटली? अभी जो जर्मनी वाला मैच हो रहा है उसमें दो डेब्यू कर रहे हैं प्लेयर और मेंटली सी कि उनको जितना हो सके लाइट माहौल उनको क्रिएट कर रहे हैं ताकि वो ज़्यादा प्रेशर ना ले, उनके साथ हंसी मजाक रख रहे हैं. और वो लोग भी जूनियर में अच्छा खेल के हैं, वर्ल्ड कप खेले हैं दोनों प्लेयर जो राजेंद्र और आदित्य हैं. और अभी एक स्ट्राइकर एक मिडफील्ड में है और नो डाउट की जो परफॉर्मेंस अच्छी कर रहे हैं वो लोग और जिस वजह से उनका आज कल एक का डेब्यू है, परसों एक का डेब्यू है, तो मुझे लगता है वो अच्छा ही करेंगे. टीम बॉन्डिंग एक्सरसाइजेस क्या क्या होती है आप लोगों के बीच में? पहला हम लोग पहले तो क्रिकेट भी खेले, लाइक क्रिकेट आपस में टीम बना के क्रिकेट इन्वॉल्वमेंट होता है. उसके बाद पूल में फुटबॉल वॉलीबॉल का एक गेम खेलते हैं वो चीज़ हुआ. उसके बाद जब बाहर जाते हैं तो कुछ ऐसी नॉर्मली फनी वीडियो बनाते थे, एक एक ग्रुप रख के आपको वीडियो क्रिएट करना है और जिसकी वीडियो अच्छी होगी उसको फर्स्ट इनाम मिलेगा, जिसकी सेकंड होगी उसका सेकंड इनाम. तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें हम लोग कैंप में जब ड्यूरेशन रहता है उस टाइम पे इसको यूटिलाइज करते हैं. और आप लोग विंस को कैसे सेलिब्रेट करते हैं? पेरिस ओलंपिक के बाद फिर डायरेक्ट गोल्ड का भी आया एशियन चैम्पियनशिप में, तो वो विन कैसे सेलिब्रेट किया? घर पर क्या माहौल था? घर पर पेरेंट्स ने क्या बोला, फ्रेंड्स ने क्या बोला और हर जगह कैसे सेलिब्रेट किया आपने? जब पेरिस की बात हुई तो उसके बाद जब आपने तो देखा ही होगा कि पेरिस का ड्रेसिंग रूम का हम लोग का माहौल, जो श्री भाई हम लोग सभी लोग जो तरीके से डांस कर रहे थे वो एक बहुत अच्छा मोमेंट था मेरे लिए भी. और जब मैं घर पे गया तो मेरे लिए खास मोमेंट ये था कि जब फादर मेरे साथ में एक रैली छोटी सी गाँव में थी और उसमें वो डांस कर रहे थे, लाइक बहुत रेयर मोमेंट होता है जब आप फादर को ऐसे देखते हैं, तो मेरे लिए बहुत प्राउड मोमेंट था उस टाइम पे. आपका एक्सपीरियंस? मेरे लिए तो मैम फैमिली वाले, जब हर जगह मैं जाता हूँ फैमिली साथ में जाती है, उनका जो फेस देखता हूँ वो मेरे लिए बहुत प्राउड मोमेंट होती है. वो जहाँ भी मैं जाता हूँ फैमिली को साथ लेके जाता हूँ हर फंक्शन में, जब उनको देखता हूँ तो मेरे अंदर प्राउड मोमेंट आती है. वो
नीदरलैंड्स में वर्ल्ड कप होने वाला है, उसके लिए क्या टीम प्रिपेयर कर रही है? जैसे ये सारे बायलैटरल मैचेस है, इसमें डेब्यूटांस भी आ रहे हैं, तो एक तरीके से उनका भी प्रिपरेशन होता है, यंग टैलेंट्स को एक मौका मिलता है, प्लेटफॉर्म मिलता है, एक्सपोजर मिलता है. तो हॉकी इंडिया कैसे प्रिपेयर कर रही है नेक्स्ट वर्ल्ड कप के लिए? इंडिया का पहला टारगेट ये होता है कि जो भी सामने आने वाला टूर्नामेंट है उस पर फोकस करा जाए. और हम लोग का जर्मनी का जो मैच है, हम लोग ने डिसाइड यही किया कि हम लोग लाइक दोनों मैच जीत के जाएँ. पहला यही प्रेजेंट में फोकस है. सेकेंडरी प्रो लीग होने वाली है, प्रो लीग में कोशिश करें कि वहाँ पे हम लोग टॉप करें ताकि वर्ल्ड कप के लिए डायरेक्ट क्वालिफाई हों. क्योंकि नवंबर में एशिया कप है, उस तक ना जाके हम लोग प्रो लीग में अच्छा परफॉर्मेंस करें. तो हम लोग का फोकस अभी यही टू पे. प्रो लीग्स की बात कर रहे हैं, प्रो लीग जैसे बड़े टूर्नामेंट्स में क्या कुछ एरिया है इंडिया को फोकस करने के लिए अपनी इम्प्रूवमेंट, मे बी स्किल सेट और एनी टैक्टिक्स जहाँ पर काम करना बहुत ज़रूरी है इमिडिएटली? प्रो लीग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे वर्ल्ड की टॉप 10 टीमें, टॉप 9 टीमें खेलती हैं. और वही टीमें हैं जो आपको नॉकआउट्स मैचेस में मिलती हैं ज़्यादातर. और हम सभी टीमों, जितने भी 8 टीमें रहती हैं, उनके साथ दो दो मैच होते हैं. तो एक सभी चीज़ हम लोग अप्लाई करते हैं, कोशिश करते हैं जो भी प्रेस हम लोग नहीं अप्लाई कर रहे हैं उसको वो प्रो लीग में अप्लाई करें, ताकि अगर सक्सेस होती है या कहाँ पे हम लोग को इम्प्रूव करना है. तो मेनली अभी तो हम लोग का वही दो मंत्र है कि डिफेंड टू विन वाला. कि कोशिश यही कि सिचुएशन मैच के टाइम पे कुछ भी आ सकता है. जैसे इंग्लैंड वाला मैच तो ऐसी कुछ और भी सिचुएशन हो सकती है, प्लेयर इंजर्ड हो सकता है. तो आप हमेशा सभी चीज़ के लिए रेडी रहना. ये कोच का हमेशा कहना रहता है कि नोबडी नो क्या हो सकता है आगे चल के. तो आप हमेशा प्रिपेयर रहिए, अपने मेंटली प्रिपेयर रहना है आपको कि जो भी सिचुएशन आएगी हम लोग उसमें ढल के उस मैच को निकालेंगे. राइट, मेंटली प्रिपेयर होने की बात करी, मेंटल हेल्थ के लिए आप सारी टीम क्या प्रैक्टिस करते हैं अपना मोरल बूस्ट करने के लिए? हमेशा हमारे लिए एक स्पेशल है एक पैडी, वो क्लासेस लेते हैं हमारी, तो वो बहुत हेल्प करते हैं हमारी. मतलब जब मेंटली कोई प्रेशर आ रहा है पूरी टीम को बूस्ट करने के लिए, कोई मैच ऐसा नॉकआउट मैच हो, जैसे ओलंपिक में हमारा क्वार्टर फाइनल था, नॉकआउट मैच था वो, तो उसमें वो हमारी बहुत हेल्प करते हैं. क्लासेस लेते हैं, गेम्स कराते हैं, फनी चीज़ें कराते हैं, तो वो बहुत हेल्प करते हैं. उससे सारे इमोशनली बूस्टेड है. इस बार के मैच के लिए जर्मनी के साथ मैच है, चलिए हिस्ट्री में चलते हैं. 1936 में ओलंपिक में मेजर ध्यानचंद लेड टीम वॉन अगेंस्ट जर्मनी. अभी हिस्ट्री रिपीट होने वाली है, आप लोग ही शायद हिस्ट्री रिपीट करेंगे. जर्मन टीम यहीं आई है, मेजर ध्यानचंद स्टेडियम है. तो हाउ एक्साइटेड यू आर और इस बार क्या लग रहा है, डिफेंड टू विन? सी, हम लोग कोशिश ये कि जो टास्क है उस पर ध्यान दें जो हम लोग करना चाहते हैं. क्योंकि एक ऐसा इन्वायरमेंट जहाँ पे दिल्ली में इतना बड़ा स्टेडियम है और पब्लिक फैन सपोर्ट और सभी प्लेयर एक्सपीरियंस है, उनको फैंस का जो सपोर्ट रहता है, हम बोल सकते हैं कि हम लोग यहाँ पे 12 प्लेयर से खेलेंगे, 11 हम लोग और 12वीं हमारी फैंस जितने रहेंगे. तो कहीं ना कहीं एक हमारे लिए बहुत अच्छी बात है और एक कॉन्फिडेंट बूस्ट होता है कि आप जब इंडिया में खेलते हैं और इंडिया टीम से खेल के जर्मनी जो अवे टीम है, कोशिश यही रहेगी कि उनको दोनों मैच हम लोग बीट करें. लेकिन उससे पहले जो प्रिपरेशन है, जो हम लोग डिसाइड करेंगे कैसे प्रेस करना है, कैसे विद बॉल हम लोग अटैक करना है, तो उस पर ज़्यादा ध्यान देंगे तो हम लोग ईजी मैच जीत सकते हैं. एक सवाल बहुत लोग पूछ रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि पेनल्टी कॉर्नर तो काफ़ी हमने किया है, फील्ड में भी गोल करना बहुत ज़रूरी है, तो उसे कैसे इंक्रीज करने के लिए आप लोग क्या कोशिश कर रहे हैं? सी, हमारे पास स्ट्रॉन्ग पॉइंट पेनल्टी कॉर्नर है. हरमनप्रीत भाई वर्ल्ड क्लास, वर्ल्ड नंबर वन है. तो हम लोग कोशिश तो वही करेंगे पहले कि उन्हीं से ड्रैग करवाएं, हम लोग को जितना हो सके डी में आउटकम मिलता है, पीसी भी आउटकम है. कोशिश यही रहती है कि जितना हो सके आउटकम निकालें टीम में. और मुझे पूरा भरोसा, हमारी टीम को पूरा भरोसा है, जब भी हरमन भाई आता है वो डायरेक्ट मारेगा तो कॉन्फिडेंट है कि वो हमेशा गोल में ही जाएंगे. और जैसे अभिषेक फॉरवर्ड है तो मुझसे बेहतर तो अभिषेक बता सकता है इस चीज़ का. हम करते हैं मैम प्रैक्टिस, हमारे जो कोच हैं वो हमेशा यही बोलते हैं, डी अपना डिफेंस वाला डी, अटैक वाला डी, बस ये दो मेन है जो चीज़ है मैच में को. तो हम उन चीज़ों के ऊपर कर रहे हैं, पोजिशनिंग का, कनेक्शंस इनसाइड द डी, ये चीज़ें बहुत होती हैं और डेली होती हैं ये चीज़ें, तो वो चीज़ हम इम्प्रूव कर रहे हैं डेली. जाते जाते टीम के लिए और इंडियन फैंस के लिए मैसेज?
यही कि आप जहाँ पे भी हैं, हम लोग इंडियन हॉकी अभी जो ग्रो अप जिस तरीके से हॉकी खेल रही है, मुझे भरोसा है अगर आपका सपोर्ट रहा तो हम लोग वर्ल्ड में नंबर वन होंगे और जितने हम लोग ने ग्लोरी पहले कायम की थी वो दोबारा से आएगी, लेकिन उसके लिए आपका सपोर्ट की ज़रूरत है। डेफिनेटली हमेशा है डीडी स्पोर्ट्स का सपोर्ट आपके साथ, हमेशा पूरी इंडिया का सपोर्ट आपके साथ हमेशा। थैंक यू। वेल दैट वॉज इट फॉर टुडे, दिस इज मी ऐश्वर्या साइनिंग ऑफ एंड यू वर वॉचिंग बियॉन्ड स्कोरबोर्ड।